अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम मोहम्मद अली। आज हमें राशिद भाई ने ज्वाइन किया। राशिद भाई से हाय टू आवर ऑडियंस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? राशिद भाई इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड राशिद भाई रन्स अ स्टोर इन आवर कम्युनिटी। तो राशिद भाई ने अभी रिसेंटली गाड़ी परचेज की है, होंडा सिविक। तो आई थॉट कि राशिद भाई वॉज द राइट पर्सन जिनका हम रिव्यू लें। तो राशिद भाई, आपने गाड़ी कब परचेज की है? इस गाड़ी को मुझे कुछ थोड़ा ही अरसा हुआ, तकरीबन एक साल हो गया मुझे इसको परचेज किए हुए। अच्छा, सही। ये सिविक 2005 मॉडल है, VTI ओरियल। सही है। तो आपने कितने की ली थी ये गाड़ी? ये गाड़ी मैंने भाई ली थी 11,20,000 रुपए की जी। सही, 2005 मॉडल है। 2005 मॉडल VTI ओरियल। अच्छा, जब आप ये गाड़ी परचेज कर रहे थे तो आपके जहन में और कौन सी गाड़ियाँ थी? मेरे इस बजट में जितना बजट मेरा था उस बजट में मेरे पास क्रोला XLi वगैरह, 2005 GLi 2005-06 मॉडल। उसके अलावा ब्रांड न्यू मेरे ख्याल मेरान या आल्टो आया थी। हाँ, इस बजट में तो मेरान ही आती है आजकल। लेकिन मेरान आपको पता है कि बेसिकली वो 800 cc कार है। ऐसे ही है। और ये एक अच्छी कार है, बड़े अच्छी इसकी रोड ग्रिप इसकी बहुत अच्छी है। सही है, डिग्गी। अच्छा, वाली गाड़ी है, सस्पेंशन इसकी अच्छी है। तो जब से आपने गाड़ी ली, क्योंकि गाड़ी कोई ब्रांड न्यू मिल जाती, मेरा नहीं ख्याल था कि उसका इतना खर्चा होता। जब से आपने गाड़ी ली, कोई खर्चा इसने गाड़ी ने मांगा हो? क्योंकि 2005 मॉडल है। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इसका सिर्फ मैं इसके टाइम पर इसका ऑयल वगैरह इसका चेंज करवाता हूँ और ट्यूनिंग वगैरह इसकी मैं टाइम पर करवाता हूँ। और टायर पहले टायर डले हुए थे वो, क्योंकि उसके बाद 4 महीने टायर वो मैंने चलाए थे। अच्छा, उसके बाद सिर्फ एक दफा मैंने टायर उसके गाड़ी के न्यू टायर इसके चेंज करवाया। अच्छा, मैं ये समझता हूँ गाड़ी माशाल्लाह बड़ी आपने मॉडिफाई की हुई है, तो खुद करवाई थी या पहले हुई हुई थी? ये बस मॉडिफाई खुद करवाई थी मैंने, ये सिंपल ये थोड़ी बहुत ना खुद करवाई थी मैंने। साइड स्कर्ट्स लगी हुई है, साइड कट्स, हां जी, फ्रंट एंड बैक। सही, गाड़ी की माशाल्लाह लुक बहुत प्यारी है। अगर मैं बात करूं 2005 के मॉडल के हिसाब से, अभी हम जुमा पढ़ के आए हैं तो मैं जैसे ही उतरा हूं तो गाड़ी आपकी माशाल्लाह बड़ी विजिबल लग रही थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। अच्छा, इस मॉडल में सनरूफ भी आती है? जी बिल्कुल, इसमें सनरूफ भी है जिसमें। अच्छा, मैं देख रहा था व्यूअर्स, आपको ये बताना चाहूँगा कि 2016, 2017, 2018 जो मॉडल अभी लेटेस्ट मॉडल चल रहे हैं उनकी भी मैंने ये जो वाइजर होता है इसको मैंने पकड़ के देखा एक दफ़ा। उसकी फील और इसकी फील में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब ये है कि इसकी जो क्वालिटी है बहुत कमाल है। इसको अगर आपको भी प्रेस करके देखें वो तो बिल्कुल दब सा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, बड़ी एक सॉलिड फील देती है आपको ये गाड़ी। अच्छा, तो ये 1.5 है? जी 1.5 है जी। नहीं, ओरियल मेरे ख्याल 1.6 में आती है, तो ये 1.6 होगी। ये 1.6 ही है, 1.6 है। तो क्या फ्यूल एवरेज देती है आपको लॉन्ग और शॉर्ट जर्नीज में? लॉन्ग पर अगर इसको मैं इसको नॉर्मल स्पीड पे चलाऊं, यानी कि 100-110 पे अगर इसको चलाऊं मैं, तो 13-14 लॉन्ग पर मुझे AC के साथ मुझे एवरेज देती है। अच्छा, और विद इन सिटी? विद इन सिटी ये मुझे देती है जी 9-10 एवरेज दे रही है मुझे। सिविक में मतलब इस मॉडल से पीछे भी यही सिर्फ एक मसला रह जाता है कि लॉन्ग पे बहुत प्यारी एवरेज हो जाती है और विद इन सिटीज थोड़ा सा आपको ना इशू करता है, थोड़ा बहुत इशू करना। लेकिन इसके जो ऑनर्स हैं वो इसकी ड्राइव से इतना जो है वो हैप्पी हैं कि उनको ये चीज़ कोई इतनी बड़ी डील नहीं लगती लोगों को। देखिए, अगर एवरेज में अगर सिटी विद इन सिटी आपको एवरेज का प्रॉब्लम है, लेकिन इस गाड़ी की एवरेज से हटकर और बहुत सारी खसूसियात हैं। ऐसे ही है, इस गाड़ी की ड्राइव बहुत कंफर्ट है। मतलब एक आपको देखिए ना, 11-12 लाख रुपए में आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आपको सनरूफ मिलेगी और 1.5 मिलेगा। 1.5 मिलेगा, सनरूफ मिलेगा, ABS ब्रेक्स है, बिल्कुल, चारों मिरर आपको पावर विंडो मिलेंगे, पावर विंडोज हैं। उसके अलावा इसके जो साइड मिरर्स हैं ये रिट्रैक्टेबल हैं, आप इसको बंद कर सकते हैं। इसका AC बहुत अच्छा है और AC की परफॉर्मेंस बहुत। मैं सिर्फ आपको बताता चलूं, अभी हम जुमा पढ़ के आए हैं तो फौरन हमने राशिद भाई को पकड़ा है, इसलिए पसीना वगैरह हमें आया हुआ है। अदरवाइज इस गाड़ी के सी मुझे बहुत लगता है, अच्छा लगता है। इसके साथ जो मॉडल आया था क्रोला का, मुझे उसमें एक थोड़ा सा शिकायत, उसके बिल्कुल छोटा सा ये इवेंट्स हैं। इसके इवेंट्स बहुत प्यारे थे उस जमाने में, मैंने देखे ना अगर आप, तो AC की परफॉर्मेंस इस गाड़ी की माशाल्लाह बेहतरीन है, बहुत अच्छी है। आपने कभी इस पर कोई लंबा ट्रैवल किया?
जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काफ़ी लंबे ट्रैवल किए हैं। तो आपको कोई डिग्गी में कोई इशू तो नहीं होता, मतलब स्पेस बहुत है ट्रंक में? जी हाँ, बहुत 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 अच्छी स्पेस है इस गाड़ी में। 5-6% इजीली ट्रैवल कर लेते हैं? बिल्कुल इजीली 5% तो वैसे इसकी परसेंट की इसकी कैपेसिटी है ना, तो अगर हम इसमें 6% भी चले जाएं अगर आराम से तो इजीली ये इसके ड्राइव में कोई इतना बड़ा इशू नहीं आता इसमें। सही हो गया। तो आप अगर किसी शख्स के पास अगर 11-12 लाख रुपए का बजट हो अब भी हो, तो आप क्या प्रेफर करते हैं कि उसको सिविक लेनी चाहिए या GLI XLI की तरफ जाना चाहिए? मेरा जो अपना एक जाती एक ओपिनियन है ना जी, अगर किसी शख्स के पास 10-11 लाख 11 लाख 11.5 लाख तक का बजट भी है, बजाय वो 0 मीटर मेहरान या अल्टो की तरफ जाने के बजाय वो सिविक 2005-06 मॉडल ले ले, VTI ओरिया ले ले, या फिर करोला ले ले, करोला में ले ले, हाँ करोला में ले। लेकिन बनिस्बत करोला सिविक इज द बेस्ट ऑप्शन इन पैसों में, सिविक बहुत अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, इसके पार्ट्स उनसे कोई बहुत ज्यादा महंगे तो नहीं है? नहीं, ये एक सिर्फ एक लोगों ने ना सिर्फ वो एक बनाया हुआ इसका के वो बनाई हुई है कि इसके सिविक के पार्ट्स बहुत महंगे हैं, बहुत कॉस्टली हैं, ये है वो है। अदरवाइज मुझे एक दो दफा जरूरत पड़ी है इसके पार्ट्स की, तो क्रोला और इसके पार्ट्स में कुछ 19-20 का फर्क ही है प्राइस में। है। लोग जो कहते हैं ना कि अगर क्रोला का बंपर 2000 के इसके बंपर 6000 का है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे लोगों ने शोशा छोड़ी, शोशा छोड़ा हुआ लोगों ने। सही है, सीट्स तो इसकी बहुत कंफर्टेबल है वैसे। जी बैक हम भी नहीं है, जी आप इसका आर्मरेस्ट भी है। जी बिल्कुल आर्मरेस्ट, ये इसका ओरिजिनल आर्मरेस्ट है। ये अपने LCD में बाद में आफ्टर मार्केट? जी LCD मैंने बाद में लगवाई थी। इसमें ब्लूटूथ वगैरह चल रहे थे? ब्लूटूथ चलता है इसमें, ऑक्स चलता है, कार्ड चलता है बेहतरीन माशाल्लाह। और स्पीकर वगैरह बेहतरीन? जी स्पीकर वगैरह भी बेहतरीन है इसमें। जी बड़े इंजॉय कर रहे हैं फिर तो आप इस गाड़ी को इस बजट के अंदर अगर देखे तो? जी हाँ, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ इस गाड़ी को, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय कर रहा हूँ जी। तो अच्छा, इस गाड़ी के मैं कॉमन कुछ इश्यूज देख रहा था और एक मेरे दोस्त के पास भी थी ये गाड़ी। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस गाड़ी में मुझे इसकी साउंड जो है ना पीछे सेंसर की बड़ी प्यारी आवाज़ लगती थी। उस दौर में भी आपकी गाड़ी में चला रहा था तो बड़ी एक वो बड़ी प्यारी आवाज़ है वो आवाज़ इसमें माशाल्लाह भी है। अच्छा, मैंने चलाई है तो मुझे वो नोटिस की। दो चीज़ें सिर्फ इसका, एक बुश का सिर्फ मसला है, पता नहीं वो लोग ज़्यादा एक्सलरेट करते हैं या क्या। आपकी गाड़ी मैंने चलाई, आपकी गाड़ी में नहीं है लेकिन 2-3 गाड़ियाँ मैंने वैसे दोस्तों की चलाई हैं, तो बुश का मसला आता है, वो खट खट करके आवाज़ आती है। सेकेंडली ये कि एक इंजन माउंट की आवाज़ है, उसमें ये होता है कि गाड़ी के इंजन से थोड़ी सी वाइब्रेशन सी आपको फील होती है, वो इस गाड़ी में भी है और वो सिविक में एक नॉन इशू है। रिबर्थ में भी वो रिबॉर्न में भी वो इशू आया। उसके अलावा ये आज का हमारा रिव्यू था। नसीब भाई, सो नाइस ऑफ यू, आज आपने हमें टाइम दिया। और व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पुरानी वीडियोस को भी देखें। अस्सलाम वालेकुम।